સેલવાસમાં મેડિકલ કોલેજ સ્થાપિત કરવા માટેની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ પ્રસ્તાવને કેન્દ્રીય મંત્રી મંડળની બેઠકમાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ મેડિકલ કોલેજના નિર્માણથી પ્રતિવર્ષ 150 છાત્રોને મેડિકલની ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવશે. આ યોજનાની સ્વીકૃતિ બદલ સાંસદ નટુભાઈ પટેલે ભાજપનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. યે પ્રદેશ કે લિયે દોનો પ્રદેશ કે લિયે ઐસા દિન કે જો માન્ય પ્રધાનમંત્રી જી કા હમ અમારે દાદરા નગર હવેલી કી પૂરી જનતા और दमन दीव की पूरी जनता प्रधानमंत्री जी का आभार मानते हैं कि 150 सीट की मेडिकल कॉलेज आज कैबिनेट में अप्रूवल दे दी है. अरे मैं मानता हूँ ये टेरिटरी के लिए बहुत ही बड़ा एक इतिहास के पन्ने पे लिखा जाएगा कि एक छोटा सा टेरिटरी दोनों छोटे टेरिटरी में 150 सीट की मेडिकल कॉलेज मिलना दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत बड़ी बात है. और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी 2014 में लोकसभा चुनाव में आए थे, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दादरा नगर हवेली को मैं डायरेक्ट सीधा देखूंगा, वो प्रधानमंत्री जी ने काम पूरा किया है. मैं प्रदेश नगर हवेली की जनता से और से मैं आपका आभार मानता हूँ. आज कैबिनेट ने अप्रूव दिया है और कहा गया है कि 2019 और 2020 तक ये मेडिकल कॉलेज दादरा नगर हवेली में चालू हो जाएगी. और ये प्रदेश में सभी के बच्चे, सभी के जो हमारे युवा पीढ़ी है जो 12 पास होंगे और सभी को ये एडमिशन मिलेगा. और खास हमें टॉप टू बॉटम सुधी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज जे चालू था, ये जस्ट पूरेपूरो पार्टी ने मर्सी.